जय हिंद दोस्तों, न्यू अकेडमी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम यहाँ से क्वेश्चन 63 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम करा चुके हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज एवं पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। कहाँ पर? लाहौर अधिवेशन में। देख लेते हैं डिटेल में इसके। तो इसमें है कांग्रेस सम्मेलन स्थल, वर्ष, प्रमुख कार्य। इनकी बम्बई में बियूष चंद्र बनर्जी द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की स्थापना पूछी जाती है कब की गई, तो 1885 में। कहाँ पर? बम्बई में। किसके द्वारा? ब्योम चंद बनर्जी द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है लखनऊ। लखनऊ अगला पॉइंट है जो लखनऊ दिया गया है। लखनऊ लखनऊ से, ठीक है, 1916 में गरम दल और नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, और आगे दिया गया है लाहौर। लाहौर में जवाहरलाल को पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। ठीक, का नारा दिया था। और कराची, कराची जो अधिवेशन हुआ था वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यों की संकल्पना पारित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 63। अब क्वेश्चन नंबर आएगा 64। 64 में कहा गया है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इस पद का प्रस्ताव दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डिटेल में देखेंगे इसको, डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी देखो पैटर्न में आया गया, 2021 में पूछा गया है। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया था। बोस और पटवा सीतारामैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजय हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के पद त्याग के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो अभी आया था जस्ट त्रिपुरी अधिवेशन से, यानी कि 1938 में बने थे। ठीक है, डिटेल में इसको देखेंगे। इसमें जैसे 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है कि एलन ऑक्टेवियन हुम, यानी एक सेवानिवृत्त अंग्रेज आईसीआई अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो यह किया था 1884 में। कब? 1884 में। अब क्वेश्चन इसका डिटेल में, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में एलन ऑक्टेवियन ए हुम, ठीक है, हुम ने की थी। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1850 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा इसकी अध्यक्षता जो की थी ब्योम चंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो बेलगाम अधिवेशन से बने थे 1924 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका डिटेल देखेंगे कि महात्मा गांधी 1929 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 1923 में विशेष अधिवेशन अब्दुल अबुल कलाम आज़ाद नई दिल्ली से
1923 में 38वां अधिवेशन जो मौलाना मोहम्मद अली काकीनाडा से 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ था, तो देश बंधु चितरंजन दास गया से बने थे। 1925 में 40वां अधिवेशन हुआ था, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थी वो कानपुर से बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 67। अब क्वेश्चन देखेंगे 68, क्वेश्चन नंबर 68। हाँ, 68 दिया गया है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 ईस्वी कलकत्ता में गाया गया था। तो डिटेल में इसको भी देखेंगे, डिटेल में कहा गया है इसमें कि राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है 69, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था, अभी आया जस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, ये रिपीट हो गया फिर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 में 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने इसके बाद क्या किया था, तो कांग्रेस इसके बाद किया था मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, यानी कि मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। इन ऑप्शन नंबर अब इसका डिटेल में जानेंगे, डिटेल में क्या है, 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में, कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए थे। समझौता हुआ, यह समझौता लखनऊ समझौता तथा कांग्रेस लीग योजना का नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब, तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। डिटेल इसलिए कराते हैं क्योंकि डिटेल से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयू ह्यूम ने किया और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज परिसर में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट एवं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, अगर आप लोग डिटेल को अच्छे से सुनेंगे और देखेंगे पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 72, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ये कहाँ पर है, ये बम्बई में है, अभी पढ़ा था जस्ट। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन है ये 72 है, अब क्वेश्चन 73 आएगा। 73 दिया गया है, यहाँ 73 क्वेश्चन दिया गया इसमें कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, तो जहाँ अंबिका चरण मजूमदार जहाँ अध्यक्ष बनाए गए थे कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो यहाँ देखें लखनऊ अधिवेशन में जो थे बेगम हजरत महल, ठीक है ना, और यहाँ से बनाई गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होता है। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, डिटेल में दिया गया है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल 1916 से 1921 में दिसंबर 1916 में आयोजित कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक
समझौता हुआ था जिसके तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को कांग्रेस द्वारा मान लिया जाना प्रमुख था। 74 क्वेश्चन देखेंगे। 74 क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी, तो बेलगांव अधिवेशन में की थी 1924 को, ठीक है, महात्मा गांधी ने। इसमें ये डिटेल देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अवकाश प्राप्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हुम, यानी कि इनका शॉर्ट नाम ए हुम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय समय पर अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में, ठीक है ना, मुंबई में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ब्योम चंद बनर्जी ने की थी। 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक के कांग्रेस 1939 अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885 से 1905 को भी कहा जाता है, तो ये मध्यम चरण कहा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले व प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण या 1885-1905 कहा जाता है। यह प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था, जो पश्चिम की उत्तरवादी और अतिवादी विचारधारा से प्रेरित थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 76 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी, तो ये की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने। तो क्वेश्चन नंबर इसका डिटेल देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्राचीन राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एहूम द्वारा की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष ब्योम चंद्र बनर्जी थे। सन 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्हें बदरुद्दीन तैयबजी को प्रथम मुसलमान अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। हाँ, अब बंगाल विभाजन से क्वेश्चन बनेंगे, बंगाल विभाजन से क्वेश्चन कुछ बनेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर 77 क्वेश्चन देखेंगे कि बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। किस वो इस समय ब्रिटिश वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। डिटेल में जानेंगे अच्छे से इसको कि उन बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय सन 1905 ईस्वी में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों की राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया गया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, ठीक है। 78 क्वेश्चन देखेंगे कि 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, अभी जस्ट लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन 79 क्वेश्चन दिया गया। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी, तो ये की थी 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। बंगाल विभाजन ये लागू करने की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की थी। डिटेल में जानेंगे इसको। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1909 में लिया गया था। इस निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। इस विभाजन का प्रमुख कारण बंगाल के राष्ट्रवाद की वृद्धि की दुर्बलता करना था। 80 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। डिटेल में देखेंगे इसको। डिटेल में दिया गया है
कि ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक टैंक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 81 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ की भी सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े या का उपयोग करेंगे, ये आंदोलन कहा गया था। तो 81 का ये आंदोलन कहा गया था, तो ये आंदोलन कहा गया था कि स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस डिटेल में देखेंगे इसकी। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। इस आंदोलन में स्वदेशी सामान, कपड़ा, स्कूल का विशेष रूप से बहिष्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 82 है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्न में से कौन सा एक मकसद नहीं था? तो एक मकसद नहीं था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जाके ब्रिटिश, तो इसका आंसर है सरकार, एक सेकेंड, इसका आंसर है डी, यानी सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। ठीक है, देखेंगे डिटेल इसकी। डिटेल में दिया गया, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का कारण जनता को बताया कि जरूरी प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन करना पड़ा, परंतु इसका मकसद बंगाल की राष्ट्रीयता को भंग करना एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, ताकि अंग्रेज बांटो और शासन करो की नीति सफल हो सके। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। 7 अगस्त 1905 को बंगाल कलकत्ता में बंगाल विभाजन के विरुद्ध ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्थापित हुआ और स्वदेशी अपनाने पर बल दिया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अब यहाँ कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हुए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन है कि 83 क्वेश्चन, काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो ये फैजाबाद की जेल में उन्हें कैद किया गया था। ठीक है, देखेंगे इसको डिटेल से। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में रखा गया था। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने इस सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था। इसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद विस्मित का था। इसमें 4 लोगों, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहड़ी और राम प्रसाद विस्मित और विशेष रोशन सिंह को गिरफ्तार करके दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ये था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, ताकि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन था 84 का। चौरासी का कुछ डिटेल में देखेंगे कि का राष्ट्रीय काकोरी षड्यंत्र रिपब्लिकेशन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। गदर पार्टी 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना, यानी जो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी इन दो लोगों द्वारा, यानी अनुशीलन समिति 1907 में बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त ने की थी। अभिनव भारत 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने, और हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन जो थी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन 1924 में सचिंद्र नाथ संन्यास, राम प्रसाद विस्मित और चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 85 क्वेश्चन देखते हैं। सन 1900
1915-16 के में किसके नेतृत्व में दो होम रूल की शुरू की गई थी, दो होम रूलिंग शुरू की गई थी, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ देखेंगे भारत में होम रूलिंग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अप्रैल 1916 में तिलक तथा दिसंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमन व्हील एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में अध्यक्ष बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। 1986 देखेंगे, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था, तो ये किसने किया था, तो ये किया था प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। डिटेल में देखेंगे कि 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। बम गलती से कैंडी की गाड़ी पर जाकर गिरा, जिसमें दो महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी 11 अगस्त 1908 को ही फांसी दे दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, तो इनको कब फांसी दी गई थी, तो इनको फांसी दी गई थी 1931 ईस्वी को। कब? 1931 ईस्वी को। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। लाला लाजपत राय की मृत्यु को सारा देश आयोजित उत्तेजित सॉरी हो उठा था। चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने इनकी मौत का बदला लेने का फैसला लिया। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सांडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सांडर हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को 30 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। 88 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे, तो ये गोपाल कृष्ण खोखले नहीं थे। ठीक है, इन डिटेल में क्या देखेंगे, 89 क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी, तो इलाहाबाद। ठीक है ना, इलाहाबाद में चंद्रशेखर पार्क है। इसमें देखेंगे डिटेल में, 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आज़ाद सुखदेव गुरु व अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद में एल्फर्ड फार्म में भविष्य की योजना के बारे में विचार कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने पिस्तौल निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और सुखदेव को वहां से भगा दिया। अंत में उनके पास एक गोली बची। उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवित रहते हुए पुलिस के हाथ नहीं आएंगे और बची गोली स्वयं को दागली अथा बलिदान कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज इलाहाबाद के अल्फर्ड पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, 90 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया, तो ये लिखा गया है किसके, भगवती चरण बोहरा द्वारा। इसका डिटेल में, क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने बम्ब प्रदर्शन नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। ठीक है, और आप जो है वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से ये वाले क्वेश्चन जो है 91 से क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।